अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम आ, मेरा नाम अशफाक है अशफाक आप यहीं के रिहायशी है हाँ, यहीं के यहीं के रहायशी यही सर इन गोट्स अच्छा। के बारे में हमें कुछ बताइए जो गिलगित की हैं हाँ। इनके बारे में बताइए कौन सी नस्ल की गोट्स हैं और क्या इनकी खसूसियात है ये ज्यादातर जो इधर की बकरियाँ होती हैं ये होती है पहाड़ी बकरियाँ पहाड़ी बकरिया कहते हैं अच्छा समझ सर्दियों में सही सरवाइव करती हैं अच्छा और जो

अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक है सर ये कौन सी नस्ल की बकरियां हैं ये मुझे भी कोई खास पता नहीं अच्छा आप बस चराते हैं इनको जी चराते हैं तो ये घास वगैरह खाती हैं या क्या चीज़ खाती हैं ये ये घास खाते हैं पहाड़ियों के घास पहाड़ियों के घास तो ये कहां रखी हुई कहाँ है आपने ये खाना है, है अच्छा इनकी जगह बनाई है तो ये सर्दी बर्दाश्त कर लेती है जो गिलगित में इतनी सर्दी होती है बर्दाश्त कर लेती है आराम से इनमें कितनी नस्लें होती हैं आपको कुछ पता है इनके बारे में Uh, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता। अच्छा एग्जैक्टली exactly. इनकी क्या मंडी लगती है ये? कहां से आप लोग लो सोस्त में। सोस्त में और जुलाई में लगती है। अच्छा बस महीने में लगती है एक बार ये जिसको चाहिए होता तो वो ले जाता है अच्छा वो ले जाता है वैसे इसके अमूमन जैसे यहाँ बकरा है छोटा उसकी क्या मार्केट होती है इधर छोटा सा जैसे चार पाँच महीने का बकरा है उसकी क्या मार्केट होती है तीन हजार तीन चार हजार तक और जो बड़ा बकरा है साल का बकरा है उसकी मार्केट क्या होती है उसकी मार्केट जो सबसे बड़ा, होता सबसे वो बड़ा जो होता है।, वो फिफ्टीन थावसंट। फिफ्टीन थावसंट तक का है अच्छा तो इसके अलावा और भी नस्लें होती हैं या सिर्फ यही नस्ल पाई जाती है अच्छा और अगर कोई दूसरे इलाके की आप बकरियां लेके आए तो बर्दाश्त कर लेंगे नहीं करेंगे

दूध होता है लेकिन हम इनको सर्दियों में काट के गोश खाते हैं खाते हैं इनका गोश्त अच्छा होता है मीठा हाँ, मीठा होता है। मीठा होता है है तो ये सिर्फ जड़ी बुटिया ही खाते हैं और खुराक भी आप इनको खिलाते नहीं, हैं नहीं, जड़ी बाहर इनको इनको जो जुलाई के टाइम बुटियाँ ना नाले में ले जाते हैं खुजराब नाले में वहाँ क्यों लेके जाते हैं वहाँ इनका सीजन जुलाई में वहाँ होता है अच्छा इधर आबादी करते हैं जी जी तो लोग उधर ले जाते हैं अच्छा वहाँ ले जाते हैं जी खुजरा खुंजराब में तो वहाँ क्या खुराक वगैरह होती है इनकी क्या उधर तो में होता ना। अच्छा फूल फूल, न, फूल, निकल आते हैं। फूल निकल आते हैं तो ये सरवाइव कर लेते, लेते हैं ले। ठीक है तो वहाँ गर्मी पड़ती है नहीं पड़ती है तकरीबन के महीने में सिर्फ गर्मी पड़ती बाकी तो इनको नुकसान तो नहीं होता गर्मी में नहीं नहीं कुछ नुकसान नहीं होता इतना भी गर्मी नहीं होता बस तक अच्छा अच्छा अगर बारिश वगैरह होती है तो इसका आप लोग ने क्या बंदोबस्त किया इन बकरियों के लिए इधर कोई वो नहीं किया हुआ अच्छा बस नाले में जो ले जाते हैं उनको ओपन ओपन छोड़ बारिश में बीमार वगैरह नहीं होती है होता है जी जी उसके ऊपर कोई छत मत सिस्टम नहीं छत नहीं होता नहीं, नहीं। और बारिश होती है तो बारिश में बीक लेती है तो ये बीमार या मरती नहीं है ये एडजस्ट कर लेते हैं जून जुलाई दिसंबर में सरवाइव करते तो जुलाई में तो कर लेंगे बारिश अच्छा दिसंबर में भी बारिशों में सरवाइव कर लेती हैं कर लेते हैं अच्छा चलें बहुत बहुत शुक्रिया सर बड़ी खुशी हुई आपने काफ़ी हमें टाइम दिया और इन उम्मीद करते हैं व्यूअर्स को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी जो हमने गिलगित हुंजा के एरिया में आके बनाई है पहाड़ों के बीच में ये भाई आपका नाम फरमान अली फरमान अली भाई ने अपनी गोट्स दिखाई हैं और उनके पास चीप्स और गोट्स हैं उम्मीद करते हैं सब लोगों को पसंद आएंगी बहुत बहुत शुक्रिया फरमान भाई